बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज पटना में मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन। आइए देखते हैं उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमारे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, भाई संजय मयूख जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी का मैं इस मीडिया सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहली बार आप सभी से मुखातिब होने का अवसर मुझे मिला है, तो अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आपकी कृपा भी मेरे ऊपर होगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और जल्दी ही शायद उसकी घोषणा भी होगी, और उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे यहां पर पार्टी के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। पहली बार बिहार में मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास है कि कई नई चीजें यहां मुझे सीखने को मिलेगी, और हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ काम करने का आनंद आएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और लगातार जनसेवा के कार्यों के माध्यम से लोगों को मदद करने का प्रयास और बिहार को विकास की डगर पर ले जाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। विशेष रूप से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है, और अगर हम लालू जी के राज से इसकी तुलना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विकास की गाथा को हमारे सामने रखते हैं। भारत एक विकसनशील इस प्रकार का देश है और सभी सरकारों के सामने चुनौतियां तो होती है, यहां पर भी होगी, किंतु अपने संसाधनों के माध्यम से हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं ये बहुत महत्व का होता है। और आज देश में कोरोना जैसी महामारी के समय जिस प्रकार का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी ने हमें दिया है, और विशेष रूप से महामारी के समय भी चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इस अभियान की शुरुआत करते हुए आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार, ये जो एक योजना आदरणीय मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में बिहार में नीतीश जी की नेतृत्व की, सुशील जी की नेतृत्व की सरकार ने यहां शुरू की है, मेरा विश्वास है कि कोरोना की महामारी के बाद
जो चुनौतियां आने वाली है उसकी पूरी तैयारी और उसका अवसर में बदलने का पूरा काम इस पैकेज के माध्यम से हो रहा है। भारत के इतिहास में, और केवल भारत ही नहीं तो जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, ऐसी सारी विकसनशील राष्ट्रों के पूरे इतिहास में इतना बड़ा विकास का पैकेज इससे पहले कभी तैयार नहीं हुआ। और पहले पैकेजेस तैयार होते थे पर कागजों पर होते थे। मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक जितनी घोषणाएं की, जितने कार्यक्रम हाथ में लिए, जितनी योजनाएं बनाई, सारी जमीन पर वास्तविकता में बदली और लोगों को उसका फायदा मिला। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये जो पैकेज है इसके माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे किसान हो, खेती में काम करने वाले मजदूर हो, हमारे बेरोजगार युवा हो, हमारे छोटे उद्योग हो, हमारे मछुआरे हो, हमारे कपड़ा बीनने वाले कर्मचारी हो, ऐसे सभी को बहुत बड़े पैमाने पर सुविधा भी मिलने वाली है और नया मार्केट भी मिलने वाला है। विशेष रूप से किसानों को मार्केट से जोड़ना, किसानों के लिए एक बड़ा बृहद बाजार तैयार करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसको कनेक्ट करना, उसके लिए किसान रेल शुरू करना, ऐसी हमारे जो प्रवासी मजदूर आए उन लोगों के लिए उनके हाथ को काम मिले, इसलिए 1,00,000 करोड़ रुपए की नरेगा की योजना कि जिसके माध्यम से किसी का भी हाथ खाली न रहे, ऐसी कई चीजें मोदी जी के माध्यम से हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लोग भी इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में वही सरकार बिहार को आगे ले जा सकती है जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, इन योजनाओं को अपने लोगों तक पहुंचाएगी, न कि वो सरकार जो केवल केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करेगी। जैसा हम बंगाल में देखते हैं कि बंगाल के किसानों को आज भी पीएम किसान का पैसा इसलिए नहीं मिल पाता कि बंगाल में वहां की मुख्यमंत्री महोदया ने उसकी लिस्ट ही नहीं भेजी। अब नुकसान तो कोई न केंद्र सरकार का हुआ, न राज्य सरकार का हुआ, नुकसान तो केवल मात्र किसानों का हुआ। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिहार की जो जनता है निश्चित रूप से फिर एक बार एनडीए पर विश्वास दिखाएंगी, विकास करने वाली, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली एक सरकार एक बहुत ही ऐतिहासिक मेजॉरिटी के साथ यहां पर वापस चुनकर देगी, ये मुझे विश्वास है। विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार में आज युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है और उन युवाओं को दिशा देने के लिए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या उससे जुड़ी हुई रोजगार की बातें हो, ये जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं तो बिहार के युवाओं का भविष्य ये मोदी जी के साथ में ही उज्जवल होगा। और उसके लिए यहां पर एनडीए की सरकार मजबूती के साथ मोदी जी का साथ देगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बिहार की इस धरती को नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, माननीय त्रिवेदी जी का लगातार हम लोगों से संबंध बना रहेगा और 2 महीने तो निरंतर रात दिन बना रहे। इसके पहले कि आपसे कुछ बात हो, मेरा सादर अनुरोध है अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के इस मीडिया सेंटर में आप सभी सम्मानित पत्रकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
मैं स्वागत करता हूं माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का, जिनकी चर्चा हम जब वो मेयर थे तब से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में सुनते रहे हैं, और आज पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वह बिहार में पधारे हैं और इस पूरे चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव की दशा और दिशा को एनडीए के पक्ष में 3/4 से ज्यादा बहुमत से हम जीते, उसके लिए वह हम सबों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे चुनाव संचालन समिति के संयोजक माननीय श्री नित्यानंद राय जी का, हमारे चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक श्री मंगल पांडे जी का। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दोनों पूर्व अध्यक्षों के नेतृत्व में जो चुनाव संचालन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति बनी है, और इस कार्य में लगातार उनका जिस प्रकार का सहयोग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए 3/4 से ज्यादा एनडीए की जीत एक छोटा लक्ष्य महसूस होता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए इस चुनाव में एक इतिहास बनाएगी। धन्यवाद। आप सबको मैं बता दूं कि अभी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आए हुए हैं, इसके बाद 5:20 में माननीय जेपी नड्डा जी आएंगे, और कल अगले 5 वर्ष बिहार के कैसे होंगे इसके बारे में माननीय जेपी नड्डा जी बिहार के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मार्गदर्शन कर देंगे। कल 11:30 अटल सभागार में उनका कार्यक्रम होगा, जिसमें बिहार की अगले 5 वर्ष कैसे बीतेंगे और आत्मनिर्भर बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, इसकी पूरी एक रूपरेखा वह रखेंगे, और इसके साथ ही वह एक रथ की भी लॉन्चिंग करेंगे जो विभिन्न शहरों में जाकर के जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार से क्या चाहती है उसके बारे में उनके सुझाव लेगी, और उन सुझावों पर ही हम अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। कल आप सब आमंत्रित हैं माननीय जेपी नड्डा जी के बिहार आत्मनिर्भर कार्यक्रम के लॉन्चिंग प्रोग्राम में।